A very good morning, everyone. Wish you a very happy new year. Very good morning, everyone. Good to see you all again on time, on the very first day. As usual, Raviraj was the first one. Right, Raviraj? Wish you all a very happy new year. Nice to see you all on time today again. So, how was your vacation? It was very nice, Arun. Thank you. Fulchan, what's your real name? Come out of Mirzapur too, beta. Yes, everyone, the attendance link is open. Please fill your attendance. Everyone, first, please fill your attendance. Done, very good. I'm giving you 2 minutes to complete that. Done. Still people are doing. And students, one more thing I want to announce today. Let everyone join, then I'll tell. Yes, this Akhandanand Tripathi and Fulchand Tripathi, what's your real name? मिर्जापुर इतना दिमाग पे ले लिया है वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन आई होप सबने अटेंडेंस फिल कर दी है एंड यस एफआई स्टूडेंट्स आई वांट टू मेक इट क्लियर कि बेटा आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना जो नंबर्स है वेट फॉर अ मिनट अभी आ रहा है आवाज क्लियर अभी क्लियर है आवाज अभी क्लियर है बेटा ओके बेटा मैं ये बोल रही थी कि आप लोग जो वो नंबर पे फोन करते हो ना और मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे बेटा वो आपके देखे नहीं जाएंगे वो नंबर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉलेज में फोन करिए कॉलेज का नंबर 261900 है आपको ऐसा लगता है कोई रिप्लाई नहीं देता है मैसेज का व्हाट्सएप पे बेटा बाकी सबको क्लियर तो हार्दिक आपके वहां पे इशू होगा आप अपना वॉल्यूम फुल करिए
वेरी गुड मॉर्निंग. सो प्लीज आप वो नंबर पे फोन मत करिए, व्हाट्सएप मैसेजेस मत करिए, दैट वुड नॉट बी एंटरटेन्ड. एम आई क्लियर? मैं वो कॉलेज का मैं हैंडल करती हूँ सिर्फ आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए. आपको कुछ भी इशू है कॉलेज के नंबर पे फोन करिए. इज इट क्लियर? बेटा कभी भी फोन करते हो रात को 11-12 बजे, सुबह 6 बजे में. कोई काम धंधा नहीं है क्या आप लोगों को? बी अ बिट प्रोफेशनल. ओके चलो, आज न्यू चैप्टर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो चुका था हमारा, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना था, बिजनेस फोरकास्टिंग. शैल वी स्टार्ट? बेटा सब में क्लियर ही है, बिकॉज मैंने दूसरी जगह पे भी देख लिया, इनके वहां पे इशू है, नेटवर्क इशू है या फिर उनका वॉल्यूम लो है. वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, बिजनेस फोरकास्टिंग, चैप्टर नंबर 3. वेट अ मिनट. Yes, now. बड़ा चलो business forecasting अगर start करने में आपको सिखाऊं तो ये क्यों important है and how it is useful. बड़ा जैसे आपने देखा अभी दिवाली थी, right? तो आप लोग ने shopping करी होगी सबने. तो जो दुकान वाला है उसको सपने आएंगे कि कितना stock रखना है ऐसा? हाँ, सपने तो नहीं आते होंगे ना उनको कि इस बार इतना माल बिकेगा, इतना स्टॉक रखना है. वो लोग क्या करते हैं, पिछले साल के कुछ रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, राइट? इस साल का चेक करते हैं कि भाई इस बार आपने देखा कोरोना वगैरह है तो शायद इसका मतलब थोड़ा कम होगा शॉपिंग वगैरह, राइट? तो वो लोग उस हिसाब से स्टॉक रखते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं. फोरकास्ट करना मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना. यस, वेरी गुड अरुण. फोरकास्ट मतलब क्या करना, करंट सिचुएशन देख के आप बिजनेस उस हिसाब से देखते हो, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फोरकास्टिंग. इसमें ना ये चीज इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन में कि भाई आपके पास करंट सिचुएशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और आप फ्यूचर के लिए कुछ रैशनल जजमेंट लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फोरकास्टिंग, राइट? मतलब विथ हैविंग द करंट नॉलेज, what will you estimate what will happen in future at some point of time is known as forecasting. samajh mein aaya? isme ye word bahut important hai ki aapke paas abhi latest information honi chahiye, right? aur uske hisab se aap kya kar rahe ho, future ko forecast kar rahe ho, usko kya bolenge, forecasting. and when that comes to business to usko kya bolenge, business forecasting. am I clear? beta exam mein na isme theory bahut aati hai. आपकी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो देखो डेफिनेशन है फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 77. उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, और उसके बाद मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 9 मेथड है. आपको अभी सिर्फ 3 ही मेथड है यहाँ पर, राइट? आपको इसमें सिर्फ 3 मेथड, बट आपको लर्न सब की सब नो करनी है, बिकॉज आपको एग्जाम में वो पूछते हैं. एक मिनट वेट करना. Yes.
मैंने बोला क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड है ना मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, ये नो मेथड्स और इसका डिस्क्रिप्शन प्लीज वो लर्न करना, थियरी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, राइट? वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग. एक मिनट वेट करना. Is the screen visible? Screen visible hai beta? Page number 81 pe tha beta wo. Sohan Paul. Chapter 3. Business forecasting. आपको तीन मेथड सीखनी है यहाँ पे. फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड. सेकेंड जो है वो है सेकेंड डिग्री पैराबोला. और आपकी थर्ड मेथड जो है वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, राइट? आपको ये चैप्टर में ये तीन मेथड्स सीखनी है. आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड आपने वो सीखा होगा, लीनियर रिलेशनशिप सीखा था, नहीं सीखा था? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सीखा था, नहीं सीखा था? नितिन, आई सपोज आपको समझ में तो आता है मैं क्या बोल रही हूँ. एग्जैक्ट गुजराती नहीं होगा बेटा, हिंदी तो मैं बोल रही हूँ. आई होप आपको वो समझ में आ रहा है. आपका फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, जहां पे आपका a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा. आपका x क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. x की जैसे ही वैल्यूज चेंज होती है ऐसे y की वैल्यूज भी चेंज होगी, राइट? इसके लिए आपको दो और नॉर्मल इक्वेशंस हैं. आपका फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सेकेंड जो है वो है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये श्रुतिका क्या क्वेश्चन था, अब दिखेगा. इतना लिख लो, उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं. बेटा वो लिखते हैं इसलिए थोड़ा शेक होता है, इसलिए थोड़ा ब्लर होता है. नाउ इट विल बी ओके.
रितिका, क्या क्वेश्चन था आपका? क्या क्वेश्चन पूछा था विनय ने? क्या बोला विनय ने? बेटा नहीं दिख रहा है मुझे कुछ कमेंट्स में। बेटा अब तो क्लियर है? वो जब लिखते हैं ना, नहीं बेटा नहीं विजिबल है उसकी चैट मुझे। विनय की चैट ही नहीं दिख रही है मुझे। बड़ा नहीं है उसकी एक भी चैट नहीं दिख रही है मुझे। बड़ा हम क्यों ब्लॉक करेंगे उसको? नहीं वो ब्लॉक्ड नहीं है, बाकी सबकी दिख रही है तो उसकी क्यों नहीं दिख रही है? देखो मैं सेटिंग में शायद देख रही हूँ, वेट करो एक मिनट। तो किस में से तभी क्या करेंगे? बेटा एक काम करते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं, मतलब विनय को। विनय एम आई ऑडिबल? वो देख पा रहा है ये? तो बेटा आपका ये लेक्चर के बाद देख लेंगे क्या इश्यू है वो, राइट? फिलहाल कुछ डाउट हो तो आप लोगों को, रितिका आप लोगों को कमेंट्स दिख रही है उसकी? राखी, चलो आप लोग ने इतना लिख लिया, मैं सम स्टार्ट करवाऊं। वो कुछ डाउट पूछे तो मुझे बोलना, बाकी फालतू कमेंट्स करे तो मत बोलना। ओके बड़ा इसमें नहीं दिख रही है। चलो इतना लिख लिया सबने, शुड आई स्टार्ट विद द सम? और बेटा क्लियर है निखिल? किसी को नहीं दिख रहा ऐसा है? क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है, जिनके वहां पे नहीं है तो वहां पे नेटवर्क इशू है या आपके फोन में प्रॉब्लम है प्लीज उसको चेक करो, बिकॉज सबको, अगर एक को नहीं दिख रहा सबको नहीं दिख रहा होता है, राइट? बट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर दिख रहा है मुझे भी, मेरे सामने भी दो स्क्रीन चालू है। आपके वहां पे नेटवर्क इशू होगा। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7 से, पेज नंबर 102 एक्सरसाइज में जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लो उसके बाद आपको करने के लिए टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोला है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। ईयर दे के रखा है और प्रोडक्शन दे के रखा है। दिस इज 1991, 92, 93, 94 एंड 95।
20, 35, 45, 40 and 25, राइट right? ये आपके लिए हो जाएगा वाई प्रोडक्शन, राइट? टोटल करो वाई का, वाई का टोटल करो, पक्का जयदीप? ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स आपका ईयर है, राइट? दिस इज योर एक्स, बट ईयर तो देखो बहुत बड़े होते हैं तो उसको अपन शॉर्ट कर सकते हैं, सो स्मॉल एक्स निकालेंगे। देखो हमेशा एक याद रखना, आपको ये देखना होता है कि आपको सिग्मा एक्स ना हमेशा जीरो मिले, उसका रीजन है कि तो आपको देखो जब ये इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपको जल्दी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपको जीरो कब मिलता है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर सिखाया तब बोला था, व्हेन डेविएशन इज फ्रॉम एग्जैक्ट मीन यू गेट जीरो। डेविएशन मतलब डिफरेंस, अगर आप एग्जैक्ट मीन से निकालते हो तो आपको जीरो आएगा। तो 1993 को अपन एग्जैक्ट मिडिल है, इसको जीरो अज्यूम करेंगे, तो 1992 माइनस 1993 क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस टू, प्लस वन एंड प्लस टू, आपको मिल जाएगा जीरो। ये एक्स क्या है आपका, कैपिटल एक्स माइनस 1993, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, राइट? अब आप नॉर्मल इक्वेशंस देखो, आपकी आपके पास सिग्मा वाई है, एन है, ए तो निकालना है, सिग्मा एक्स है, अब आपको क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, उसके बाद एक्स वाई, स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस 1993, बिकॉज वो एग्जैक्ट मिडल में है तो उसको अपन ने जीरो अज्यूम किया। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, वन जीरो वन एंड फोर, टोटल वुड बी टेन। अब एक्स वाई निकालेंगे, एक्स इंटू वाई, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, 20 into -2 इज -40, 35 into 1 is -35, 0, 40 and 25 twos are 50. टोटल करो कितना आएगा, टोटल करो कितना आएगा, प्लस 15, राइट? अब हम इक्वेशंस में डालेंगे, हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई क्या है आपका, 165, एन क्या है, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 है, तो आपका एन हो जाएगा 5a प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स क्या है आपका, 0। सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू आती तो आपका सम सॉल्व नहीं होता, बी इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। सो 165 इज इक्वल्स टू 5a, तो आपका a क्या हो जाएगा, 165 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 33, राइट? सेकेंड इक्वेशन करेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई क्या है था आपका, 15,
ए आपको मिल गया था 33, सिग्मा एक्स 0, बी पता नहीं है, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10. 33 इंटू 0 वुड बी 0. 15 इज इक्वल्स टू 10 बी, तो आपका बी हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 10, तो आपका बी हो जाएगा 1.5. राइट, ए मिल गया, बी मिल गया, तो आप अपना मेन इक्वेशन में डालेंगे. आपका मेन इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू ए क्या मिला 33 प्लस बी क्या मिला 1.5 एक्स. हमारा ये स्मॉल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स माइनस 1993, तो आप उसको लिखोगे ऐसे वाई इज इक्वल्स टू 33 प्लस 1.5 ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस 1993, क्यों, बिकॉज आपका स्मॉल एक्स आपने कैसे निकाला था, कैपिटल एक्स माइनस 1993. राइट, अगर सपोज इसमें ये क्वेश्चन होता है के ऑल्सो फाइंड फोरकास्ट फॉर 1997, ऑल्सो फाइंड फोरकास्ट फॉर 1997, तो क्या करते हैं, जहां पे भी ये कैपिटल एक्स है वहां पे क्या डाल देते हैं 1997, तो क्या हो जाता है वाई इज इक्वल्स टू 33 प्लस 1.5 1997 माइनस 1993. 97 माइनस 93 क्या होगा 4. 4 into 1.5 that is 6. 6 plus 33 तो क्या मिलेगा, आंसर वुड बी 39. तो आपका प्रोडक्शन कितना होगा 1997 में 39 लाख टन्स, राइट, 39,000 टन्स, सॉरी. समझ में आया सबको ये स्ट्रेट लाइन मेथड? समझ में आई सबको बेटा? आया सबको समझ में? चलो सम कर लो जल्दी, मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा. देखो जल्दी, हाँ राखी क्या डाउट है बता. 1997 बेटा मैंने आपको ऐसे ही अज्यूम करके दिया था नितिन, वो लेना नहीं है, क्वेश्चन में देके रखा होगा बेटा. बेटा वो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था 1997 बेटा, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको सपोज वैल्यू फाइंड करनी होती 1997 के लिए, 1998 पूछे तो अपन 1998 लेते. आया समझ में? बट एक बार फिर से समझा रही हूँ पूरा. आपको क्वेश्चन दे के रखा, सबसे पहले आपको x निकालना है, that would be capital x minus जो आपका mid value है exact वो लेना है, ताकि आपको यहाँ पे zero मिले. zero लेना क्यों जरूरी है, because नहीं लोगे तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, दो इक्वेशन में पुट करना है और आपको वैल्यू लानी है a और b की. आया समझ में? जल्दी सॉल्व करो अभी. नेक्स्ट सम पहले ये करो, उसके बाद नेक्स्ट सम करते हैं.
करवा रही हूँ बेटा, ये इतना हो गया सबका। लास्ट वाला देखो, आपकी मेन इक्वेशन क्या थी, y is equals to a plus bx, आपका स्मॉल x कैसा था, कैपिटल x minus 1993, उसको सिर्फ रिप्लेस करना है, that's it। देखिएगा आपका ये हो जाए फिर मैं नीचे दिखाऊं ना बेटा, बेटा कोई ब्लर नहीं है, मुझे भी दिख रहा है एग्जैक्टली सही है एकदम। हमारे यहाँ पे भी दो स्क्रीन दूसरी चालू है बेटा, जब ब्लर होगा मुझे पता पड़ जाएगा। आई नो इट्स क्लियर। Then, सबका हो गया सम, आंसर आया सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई करोगे आप लोग। सेम ऐसा ही करना है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आपको बोलती हूँ आप करते जाओ, राइट। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले क्या करोगे, y का टोटल करोगे, वेरी गुड, 630। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल x, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल x माइनस, अब देखो एग्जैक्ट मिडल में क्या है, 94 लेंगे तो सही होगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 है ना, 1994 को एज्यूम करेंगे ना जीरो एग्जैक्ट मिडल, राइट, सो इट वुड बी x माइनस 1994। This would be minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2 and 3. अब क्या निकालोगे, x square and xy. अब तो कर सकते हो पूरा सम, है ना, हो सकता है ना पूरा सम अब तो बेटा। जल्दी करो, आई एम वेटिंग। Yes, very good. X square का total 28.
पार्थ वेरी गुड, ए इज 90, पार्थ अभी सम कर रहे हो कि पहले से किया हुआ है? कौन सा लास्ट इक्वेशन? एक्स वाई 56, वेरी गुड. Yes, Rakhi, very good. A is equals to 90. Jobin, very good. Upendra Sharma, very good. Raviraj Jadeja, very good. A 90 and B 2. सबको ए और बी मिल गया, ए 90 एंड बी 2. अपना मेन इक्वेशन क्या है? y is equals to a plus bx. उसको लिखोगे कैसे? y is equals to a क्या मिला 90 plus b क्या मिला 2. x क्या है? कैपिटल x माइनस 1994, राइट. अब आपको क्वेश्चन में क्या देख रखा है? ऑल्सो फोरकास्ट फॉर द ईयर 1998. वही समझाया है मैंने आगे. आपको पूछा है ऑल्सो फोरकास्ट फॉर द ईयर 1998, तो क्या करोगे? जहां पे भी x कैपिटल है वहां पे क्या डाल दोगे? 1998. सो इट वुड बी y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 इनटू 1998 माइनस 1994. So you get 1998 minus 1994 is 4 into 2 is 8. 8 plus 90 is equals to 98. Your y would be 98. Yes, very good. क्यों है और भी नहीं निकला? आपको सिर्फ इक्वेशन में डालना है. जैसे लास्ट सम किया था वैसे इक्वेशन में पुट करना है सिर्फ. आया सबका आंसर? बेटा दो सम आपके होमवर्क है आज के लिए, सम नंबर 9 एंड सम नंबर 12. सम नंबर 9 एंड सम नंबर 12 हो जाएगा सबसे. पक्का दो सम सही सपोज कर सकते हो? सम नंबर 9 एंड सम नंबर 12. सच में करते हो ना जैसे वैसे यस मैम लिख रहे हो? बट आप लोग देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ही नहीं आएगा. ओके, सो मीट यू टुमारो एट शार्प 8:30. ओके, योर होमवर्क इज सम नंबर 9 एंड 12. आई रिपीट, सम नंबर 9 एंड सम नंबर 12. Okay, see you tomorrow at 8:30. Bye everyone, take care, have a nice day.
समझ में आया बेटा सबको? पक्का स्ट्रेट लाइन मेथड? स्ट्रेट लाइन सबको समझ में आई बेटा? ओके